तो हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने पार्ट वन पढ़ लिया था, आज है पार्ट टू। आज हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए, आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आप जानते हैं कि यहाँ पर सिस्टम रहता था, वहां पर हम कई ऑर्गन्स के विषय में पढ़ते हैं ना, तो हमने इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लिया था और आज हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो मतलब एनवायरनमेंट से जो वायु होती है, जब ऑक्सीजन जाती है, तो वो कैसे कैसे कर करके हमारे फेफड़े तक पहुँचती है और एल्वोलाई तक पहुँचती है, उसके बाद कैसे वो सेल्स में जाके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचती है ना, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले नासा छिंद में गई, फिर आएगा नासा कपाट, ये नासा कपाट। ठीक है, नासा कपाट के बाद ग्रसनी। ठीक है, क्या हुआ? ग्रसनी के बाद जब ये ग्रसनी आ जाएगा यानी कि फायरिंग्स अंदर। ठीक है, उसके बाद स्वर तंत्र, ये जब इसको आप दबाएंगे तो वॉइस, इसको जब थोड़ा अच्छे से दबाएंगे ना वॉइस नहीं आएगी, इसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्र, लैरिंग्स। और ये रही ग्रसनी। ठीक है, तो पहले कहा गई नासेंद्र में, फिर नासा कपाट के बाद ग्रसनी के बाद फायरिंग्स, यही जो ग्रसनी हमारी फेरिंग्स से गई, उसके बाद स्वर्तंत्र यानी कि लैरिंग्स यहाँ पर। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगी उसके बाद जाएगी ट्रकिया में। तो आप यहाँ डायग्राम से समझ लीजिए, इधर देखिए ये हो गई ट्रकिया, ये आ गई यहाँ से नासाछिंद्र, और नासाछिंद्र ग्रसनी के बाद कहाँ पर गई थी? स्वर्तंत्र के बाद श्वास नली यानी कि ट्रकिया में आ गई। ठीक है, ट्रकिया में आने के बाद अब यहाँ पर एक और भी चीज समझ लीजिए। ट्रकिया के पास ही मतलब कि यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस, जहाँ पर दो एक होती है फूड पाइप, मतलब दो पाइप होती है, फूड पाइप एक ये एयर वाली। ठीक है, एक ट्रकिया होती, मतलब कि एक ये हो गई और एक ये फूड पाइप हो गई। तो यहाँ पर बात ये आती है कि एपिग्लोटिस का क्या काम करता है, आपको हिचकी कब आती है, डकारे कब आती है, मतलब कि जब आप कभी कभी खाना खा रहे होते हैं और वहां पर किसी चर्चा में भी लग जाते हैं, बातें भी करने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, तो ये क्या होता है? एपिग्लोटिस काम करना बंद कर देता है और ये जिधर मन जाता जिधर चाहेगा वायु को चले देगा, मतलब जिधर चाहेगा वायु चली जाएगी और जिधर जाए खाना, मतलब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता, क्योंकि इसका कंट्रोल हम लोग थोड़ी ना करते हैं। इसका कंट्रोल ये थोड़ी ना रहेंगे कि चलो एपिग्लोटिस खाना आ रहा है तो तुम फूड पाइप में भेज दो, चलो एपिग्लोटिस आप एयर आ रही तो तुम एयर जो जिसमें एयर जा रही उस पाइप में भेजो, ऐसा तो हम लोग तो कर नहीं सकते ना। वो काम करता है ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है ये काम करता है। तो जब आप सोचने लगते हैं या फिर कई ख्यालों में डूब जाते हैं या फिर बातें करने लगते हैं खाना खाते वक्त, तो ये क्या करता है? ये माइंड से कहता है भाई आदेश दो हम किधर भेजे, ये क्या आ रहा है, खाना आ रहा है कि क्या आ रहा है, किधर भेजे। तो माइंड तो अपना जो दूसरे जगह से लगा होता है, तभी क्या होता है कभी कभी ये जिधर पाता उधर को मुड़ जाता है। तो बाई चांस इसने खाने का रास्ता उधर बंद कर दिया और एयर वाला खोल दिया, तो ये जो खाना होता है ये चला जाता है दूसरी पाइप में। तभी ना वो जो ये जो होता है हमारे लंग्स होते हैं, ये कहता है जो खाना आ रहा है तो इसको ना ऊपर मारता है, ऊपर भेजता है। तो जब ऊपर भेजता है तो ये जो है क्या होता है, जब ऊपर जाएगा तो फूड पाइप में फिर से आना शुरू होता है, तभी ना हिचकियाँ आती है। तभी लोग कहते हैं भाई पानी पिलाओ, थोड़ा सा सर पे ठोको तो दिमाग ना वापस आएगा, तो फिर से वो एपिग्लोटिस काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप समझ गए कि ट्रकिया से एयर बाहर से इन्वायरमेंट से वायु से हमारी जो वायु होती है वो ट्रकिया के रास्ते मतलब इस रास्ते आती है। फिर ट्रकिया जब एक होती जैसे कि ये आप देख रहे हैं सिंगल, तो इसे हम ट्रकिया कहते हैं श्वास नली। और जब ये दो में ऐसे डिवाइड हो जाती है तो हम इसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ये अभी ब्रोंकाई है, फिर जब ब्रोंकाई भी अपने आप को ये ऐसे मतलब बना करके ये डिवाइड होती है, तो इसे जब ये ऐसे से डिवाइड होती है तो इसे हम कहते हैं ब्रैंकियोलस। क्या कहते हैं? ब्रैंकियोलस, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और लास्ट में ये डिवाइड होती है एक वायर लाइन स्ट्रक्चर बना लेती है, ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे बना लेती है, इसको हम कहते हैं एल्वोलाई। ये देख रहे हैं आप एल्वोलाई। ठीक है, तो हमारी एयर पहले ट्रकिया में आई, यहाँ आई, फिर ब्रोंकाई में गई। ठीक है, ये ब्रोंकाई में गई और ब्रोंकाई में जाकर के ये ब्रोंकियोलस में गई, ब्रोंकियोलस में जाकर ये एल्वोलाई में गई। यहाँ पे ब्रोंकाई में पहले ट्रकिया में आई, यहाँ समझते हैं, नासाछिंद्र में आई, फिर नासा कपाट में, फिर ग्रसनी में, स्वर तंत्र में, फिर श्वास नली, स्वर तंत्र के
कार से चलते चलते मैं उसी रास्ते से चल रही थी ना, फिर श्वास नली में, फिर ब्रोंकाइट में, फिर ब्रेन ट्यूमर्स में, फिर एल्बो लाइन में। एल्बो लाइन में क्या होता है, वहाँ पर ब्लड से मिलती है, और ब्लड क्या करता है, ब्लड जो होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का आता है यहाँ एल्बुलाइन तक, और एल्बुलाइन से ऑक्सीजन को ले जाकर सेल्स तक पहुँचाने का काम भी करता है हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में क्या, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को ले जाके सेल्स के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर छोड़ता है, ठीक है, सेल्स को मतलब देता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ये ब्लड में मतलब ऑक्सीजन एल्बुलाइन में पहुँच गई थी, तो एल्बुलाइन के पास वहाँ पे क्या होगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड से, और ब्लड से क्या करेगा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और सेल्स के पास छोड़ देगा। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी ऑक्सीजन, वहां पर चलता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बनने के बाद वहां पे ग्लूकोज से मतलब कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब विखंडन होता है तो वहां पर ऊर्जा भी बनती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। तो वो हम अभी समझ रहे हैं, अभी तो हम समझ लेते हैं कि ये मतलब कि होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि सबसे ये आप ये वाला देख रहे हैं, ये एपिग्लोटिस है, जो कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं एपिग्लोटिस के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि नासाचंद्र से, ये जो नासाचंद्र है, अच्छा नासाचंद्र का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। नासाचंद्र छोटे छोटे बाल होते हैं, ये जो बाहर की वायु से जो गंदगी भी आ रही है ना उसको ये यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, यहीं पे रोक देते हैं। तो ये नासाचंद्र ना भी बहुत बड़े काम करते हैं। फिर नासा कपाट, ठीक है, नासा कपाट के बाद हमारी जो ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आ जाता है, ग्रसनी के बाद होता है स्वरतंत्र, लैरिंग्स। ये इसका इसमें क्या होता है, आवाज पतली मोटी, जैसे कि किसी लड़कियों की ना थोड़ा सा पतली, लड़कों की मोटी, तो इसी के मतलब ये कंट्रोल उतना यही करता है, ठीक है, स्वरतंत्र। उसके बाद श्वास नली, तो आप जानेंगे ये श्वास नली जब ऐसे सिंगल होते तो ये श्वास नली, और उसके बाद क्या होता है जब ये ब्रोंकाई, ये मतलब दो मेजर बोलते हैं, ये ब्रोंकाई हो गई, और ये जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इसे ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ब्रोंकियोलस के लास्ट में ये जो बायोग्लाइन स्टेज है ये एल्बुलाई है, एल्बुलाई पे मिलता है वहां पर ऑक्सीजन को, ब्लड में जब ये मिक्स होती तो वहां पर हीमोग्लोबिन पहुंचाता है इसको सेल्स तक, सेल्स में होती माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रो में चलता है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद अपना ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा, और सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं कि ये डायाफ्राम इसका क्या काम होता है, किसका, डायाफ्राम का, ठीक है। तो डायाफ्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है, अगर ये डायाफ्राम मतलब कि अगर ये नहीं, ये भी हाँ ये भी मांस का ही बना होता है, अगर इसका भी कहीं ये भी खराब हो गया बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह में, अगर ये भी मतलब कि खराब हो गया तो इसके न होने से भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है जब हमारा ऑक्सीजन तो बाहर से आ जाता है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिर से बाहर निकालना होता है तो ये क्या करता है, ये प्रेशर मारता है नीचे से ऐसे, तो ये क्या करता है, ये जब तक मारेगा नहीं तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायाफ्राम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एक तो इसको सहारा प्रदान किए हुए, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने ये चीजें तो समझ ही ली, ठीक है। अभी ये जो क्रेब्स साइकिल है, जो रिएक्शन होगी, ये हम पार्ट 3 वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको जो है इतना एक साथ में समझ में नहीं आएगा। पार्ट 3 में हम पूरा ये कंप्लीट करके और इसके क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं वो भी देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।